नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं लखीमपुर के तिकोनिया के आगे, करीब 60-70 किलोमीटर जो आगे एक गांव है, जहां पर पहुंचे हुए हैं। और यहां पर लवप्रीत का घर है, जो कि अभी पीड़ित परिवार हैं, जो अभी गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया था जिन्हें, और हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका घर है और यहाँ पर तमाम लोग, भीड़ अभी आप देख सकते हैं, रात के लगभग 8 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। लवप्रीत के आप फैमिली से? हाँ, मतलब हमारे हम गांव के, हाँ, गांव के ही हैं। और यहाँ पर क्या कुछ हुआ था उस दिन, वाकया आप बताएं, बताना चाहिए। वाकया ये वहाँ पर ये हुआ था कि सब लोग वहाँ गए थे, शांतिपूर्ण धरना करने गए थे, और धरने के बाद में वापसी हो रही थी। तो वापसी के बाद में जो गाड़ियां आई थी, उन लोगों ने हमारे जो बच्चे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी, हमारे बुजुर्ग भी थे। तो वो कह रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पत्थरबाजी आगे से होती है पीछे से होती है? इन्होंने पत्थरबाजी की है किसानों ने। तो ये जो एंगल दिखाया जा रहा है कि उपद्रवी थे वहाँ पे कुछ लोग अलग थे, इसको आप किस रूप में दिखाते हैं? मतलब देखिए, हमारी बात सुनिए, 26 नवंबर से जो दिल्ली में धरना चल रहा है, तो क्या उपद्रव वहाँ हुआ कुछ? वहाँ पे वो उपद्रव हुआ कुछ? किसानों ने किसी गाड़ी फूंकी या किसी का वो नुकसान किया कभी? लेकिन आप अभी जैसे हमसे बात करते वक्त कह रहे हैं गोदी मीडिया है, क्या मतलब इस पे काफी गुस्सा भी है? बात नहीं करते, काफी गुस्सा? नहीं, वो तो मालूम क्या बात है, वो तो कहती है किसान खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इनको पाकिस्तान से आ रही है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो न्याय मिल पाएगा लोगों? नहीं, न्याय देखो, न्याय की बात जो है, अगर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय सरकार चाहती नहीं देना हमको, किसानों को। अच्छा, हमारा हक मांगना गलत है, सही है? हम अपना हक नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? जब हमको दो रोटी की भूख है, आप चार रोटी मुझे क्यों दे रहे हो? हमें दो रोटी की भूख है, आप चार रोटी मुझे क्यों दे रहे हो? हम नहीं मांगते इस चीज़ को, बस न्याय मिलना चाहिए और क्या। मतलब इसको टेनी को और उसके लड़के टेनी को बर्खास्त किया जाए, टेनी के लड़कों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो एक नया एंगल लोग मीडिया और सब जगह ढूंढ रहे हैं कि उपद्रवी थे, बहुत सारे तरह के आरोप लग रहे हैं किसानों के ऊपर, उसको आप किस तरह से? उनका वीडियो देखा है आपने? वीडियो में जो दिख रहा है वो थार गाड़ी को सीधे चढ़ाता हुआ जा रहा है, तो जुर्म तो उन्होंने किया है। जब कोई हम पे अटैक करा, किसानों ने क्या किया, उनकी क्या गलती थी? वो तो बेचारे खड़े थे रोड पे। तो आपने इसको सुना, तो आप मतलब आपको पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है? जी, मतलब जो यहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आ रही हैं? जी, देखिए, ये उनका जब वहाँ पे उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, एक से संवेदना अपनी व्यक्त करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका क्या है वो आने के बाद पता चलेगा आपको। क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से नेताओं को हिरासत में रखा गया, लोगों को यहाँ पे इंटरनेट बंद है, उन सब चीज़ों क्या है? हाँ, इसके लिए वे कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी नेता को हिरासत में रखा गया है, तो मान लीजिए अब प्रशासन अपना दबाव डाल रहा है, हर चीज़ में कर रहा है, तो मान लीजिए अगर कोई किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, तो उसमें कोई राजनीति तो है नहीं, अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रहा है। आप उसे बताइए कि हाँ, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, अब इसमें ये कोई सियासत देखे या कुछ भी देखे तो ये गलत है। सर, आप किस नज़र से देखते हैं इसको कि इंटरनेट बंद है और इस गाँव में, इतने दूर गाँव में लोग इतने अभी इस रात को इकट्ठा हुए हैं? ये जो प्रशासन जो है, ये इंटरनेट बंद करके और ये सारी एक्टिविटी बंद करके ये गलत संदेश दे रहा है, ये ठीक नहीं है जनहित के अंदर। क्योंकि किसी के घर में कोई आदमी शहीद हुआ है, तो उससे मिलने का अधिकार तो हर आदमी को है ना। इसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, 3 दिन से वो अरेस्ट कर रहा था सीतापुर में, उन्हें उनकी ये जिद थी कि मैं जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात करूँ। और जनहित में जब आदमी किसी से मिलने आता है तो उसका हौसला अफजाई होता है, दुख और दुख बढ़ता है उसका। हम इस नज़रिए से देखेंगे, योगी सरकार जो है इस मुद्दे पे बैकफुट पे आ गई है, और उसे जो मिनिस्टर है, गृह राज्य मंत्री और उसका बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन क्या लगता है? बर्खास्त किया जाए उसे, मिनिस्टर को, वो जब तक जांच रहेगी वो प्रभावित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आए लखनऊ में, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले।
वो तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, वो गलत है। इसके किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहिए था। किसान कितने समय से आप देख रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, ये हिटलर शाही है और कुछ नहीं है। तो इस हिटलर शाही में आपको न्याय की उम्मीद है? न्याय तो जब देश अंग्रेज छोड़, जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था तो जब भी मतलब कहना बड़ा टाइम लगा था। किसी सच्चाई के लिए टाइम तो लगता है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद है कि ये किसानों की मांग मानेंगे और इन्हें मतलब मांग किसानों की माननी चाहिए, ये किसानों का देश है। अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, क्या इसको वो आ रहे हैं अपना दुख बांटने आ रहे हैं इस परिवार के साथ। एक ही बेटा था इनके, एक ही बच्चा था, और जिसके घर से जाता है उसके दुख उसे ही पता होता है। तो वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके घर पर आ रहे हैं और इनके दुख में शामिल हो रहे हैं। ये अच्छा संदेश जागा, इनके परिवार का हौसला बढ़ाने आ रहे हैं। मृतक परिवार और मृतक के बारे में क्या कहना चाहें, जो लवप्रीत हैं यहाँ के? मैं यही कहूँगा, तो शहीद हो गए बेचारे, और उसके लिए जो है मैं कामना करूँगा ईश्वर से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। आप क्या कहना चाहते? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना के साथ साथ ये जो मंत्री जी के बेटे हैं उनको दुर्घटना क्यों कह रहे हैं? ये मतलब दुर्घटना नहीं बल्कि एक जानवी पूछी किसानों के लिए एक जुल्म है किसानों पे, क्योंकि एक साल से जुल्म हो रहा है। और ये देखिए, ये लड़का अपनी जान से चला गया, और ये सरकार बिल्कुल किसी को नहीं समझ रही, बल्कि किसानों को तो कहीं से कहीं तक भी नहीं समझ रही। वरना किसानों के लिए काला कानून बनाया और उसी चक्कर में ये लड़का भी चला गया। तो इंटरनेट बंद है, तमाम तरीके लोगों को भी आने नहीं दिया गया, तो कैसे लगता है न्याय मिल पाएगा? नहीं देखिए, इंटरनेट ये सब इनकी जानी सोची समझी वो है साजिश, के देखिए जो हमारे राहुल जी या जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ, रात में आने दे रहे हैं, दिन में नहीं आने दिया, ये क्या है? एक तरीका होता है समाज में, एक समाज हम भी रह रहे हैं, किसान हैं, एक दूसरे के दुख बांटने के लिए दिन में जाता है आदमी। अब देखिए रात में गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहा, प्रियंका जी थी वो सीतापुर में, उनको दो दिन रखा गया। तो ये तानाशाही है, इस सरकार की तानाशाही है, और ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आरोप, इतना सारा आरोप लगने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री या उनके बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? FIR हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होना चाहिए, जेल जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्या लगता है कैसे मिल पाएगी ये सज़ा, क्या करेंगे अब? हम लोग तो आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन चलाएंगे और उम्मीद करते हैं न्यायपालिका न्याय करेगी। खबरों में बने रहने के लिए पूरमपुर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।